दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ ही प्रेस करें ये बेल का बटन ताकि आप देख पाएं वीडियो सबसे पहले, और नीचे की ओर जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली की दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबके ऊपर भगवान हनुमान का आशीर्वाद होगा। आज फिर मैं आप सबके सामने एक नए उपाय, नए टोटके के साथ हाजिर हूँ। जो व्यक्ति रविवार संक्रांति ग्रहण को छोड़कर तुलसी को जल चढ़ाता है, या तुलसी के मंदिर या तुलसी के मंत्र ओम नमः तुलसीय नमः इस मंत्र का जाप करता है, या शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाता है, उस घर परिवार पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, पुरखों को स्वर्ग में स्थान मिलता है, संतान संस्कारी आज्ञाकारी होती है, उसे घर में सभी कष्टों से कोसों की दूरी बनी रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महाशक्तिशाली टोटके चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं तुलसी के बहुत ही आसान और खास उपायों के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। मेरे सभी वीडियो का, लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा इससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार बात की जाए तो हिंदू धर्म शास्त्र में तुलसी के 8 नाम बताए गए हैं। इन नाम को जो भी जाप करता है उसको कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही अगर आप सुबह के समय तुलसी को जल चढ़ाते हैं और तुलसी का ध्यान कर लेते हैं तो जीवन में आपकी सभी परेशानियों का अंत हो जाता है, और कभी भी किसी प्रकार के संकट का सामना आपको जीवन में नहीं करना पड़ता है, और ना ही कभी आपके जीवन में कोई भी अभाव आता है, चाहे वो धन संबंधी हो चाहे नौकरी संबंधी हो। सभी तरह के भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के भौतिक सुख आपको मिलते हैं, और उस व्यक्ति पर धन संपदा भी अपार बनी रहती है। अगर बात की जाए एकादशी वाले दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में, तो अगर आप एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जला देते हैं तो दीपक जलाने के साथ ही आपको दीपक में आपको तेल डालना है, और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप उसमें घी भी डाल सकते हैं। घी डाल करके उसे जला देने के बाद आपको तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है, उसके घर परिवार में प्रेम संयोग बना रहता है और धन की कोई कमी नहीं होती है। तो इस बार जब भी एकादशी आए तो आपको ये उपाय अवश्य करना है, और इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कितना इफेक्ट मिलता है। वैसे तो हमारे या किसी के भी घर में तुलसी का पौधा होता ही है जिसको हम गमले में लगाते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक गमले में एक पौधा, तुलसी का पौधा और काले धतूरे का पौधा लगाते हैं, इन दोनों पौधे को आप अपने घर में लगा देते हैं तो इन दोनों से तुलसी का पौधा बहुत ही शुभ फल प्राप्त कर देता है आपको। तुलसी का पौधा तो अक्सर आपने लोगों के घर में देखा होगा, शायद आपके भी घर में होगा, लेकिन साथ ही अगर आप अपने घर में काले धतूरे का पौधा भी लगा लेते हैं और इन दोनों को नित्य प्रतिदिन स्नान कराते हैं, और या फिर आप खुद स्नान करने के बाद आप शुद्ध जल या कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करते हैं, और अगर दोस्तों अगर आप कच्चा दूध दूध अगर अर्पित नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ शुद्ध जल अर्पित कर देना चाहिए। आप इतने से ही कार्य से आप ब्रह्मा विष्णु और महेश की इन तीनों की संयुक्त पूजा के बराबर फल आपको मिल जाएगा, और ये तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी हर प्रकार की जरूरत को पूरा करते हैं, चाहे वह धन संबंधी हो, चाहे वो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी हो या हमारा मान सम्मान हो, यह वह सब चीजें हमें सिर्फ इन तीन भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश इनमें से मिल जाती है। तुलसी के पौधे और तुलसी में भगवान विष्णु निवास करते हैं, यह तो हम सब जानते ही हैं। अगर हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी भी अपने आप ही प्रसन्न हो जाती है। अगर बात की जाए काले धतूरे के बारे में, तो काले धतूरे में भगवान शिव का वास माना जाता है, यानी कि काला धतूरा भगवान शिव का रूप है। और तुलसी की जड़ों में, अगर तुलसी की जड़ों के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो वहां पर ब्रह्मा का निवास माना जाता है। तुलसी की जड़ों में भगवान ब्रह्मा का वास होने के कारण अगर आप इन उपाय को करते हैं तो आपको अचूक फायदे देखने को मिलेंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं उनके बारे में, तुलसी के पत्तों के बारे में। दोस्तों हर प्रकार की पूजा पाठ में तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है, इसलिए जब भी आप पूजा पाठ करें तो आप कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ करके भगवान को भोग लगाया करें। इस प्रकार की पूजा पाठ से आपको धन धान्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोस्तों तुलसी के पत्ते भोजन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा
जब भी कभी ग्रहण पड़ता है और अगर आपके घर में कुछ बचा हुआ खाना होता है या कोई भी वस्तु खाने वाली होती है, यहाँ तक कि गंगा जल में भी कुछ तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्ते सबसे पवित्र माने जाते हैं। अगर आप किसी भी भोजन में या किसी भी जल में या किसी भी जगह में तुलसी के पत्ते रख देते हैं तो ग्रहण आदि के दुष्प्रभाव वहां पर नहीं होते हैं। जैसे ग्रहण पड़ता है तो ग्रहण का जो दुष्प्रभाव होता है वह दूर हो जाता है। इसलिए किसी भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय भोजन में तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, जिससे वह अपवित्र नहीं होता है और शुद्ध बना रहता है, जिससे हम किसी भी प्रकार के कोई भी साइड इफेक्ट से प्रभावित नहीं होते हैं। शास्त्रों की बात की जाए तो हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद या मृत्यु के वक्त मुख में तुलसी के पत्ते डालते हैं, ऐसी मान्यता है। अगर मरे हुए इंसान के मुख में तुलसी के पत्ते डाले जाए तो उसे व्यक्ति को, चाहे वह मृतक है चाहे वह मर चुका है, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके मुख में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लाख प्रयास के बाद भी आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, आपने बहुत कोशिश कर रखी है पर आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। और यह उपाय आपको सिर्फ गुरुवार के दिन करना है। आप इस उपाय को जब भी गुरुवार को करते हैं, आपको अपने व्यापार में उन्नति को लेकर और किसी भी प्रकार की परेशानी को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। या फिर जॉब संबंधी परेशानी को लेकर आप परेशान हैं, तो आप गुरुवार के दिन, इस चुने हुए दिन, गुरुवार के दिन ही के साथ ही आपको एक काली तुलसी चाहिए। यदि आप गुरुवार के दिन उपाय को नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी शुभ मुहूर्त में या शुभ दिन में इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक काली तुलसी चाहिए जो कि बिल्कुल इस उपाय के लिए ठीक है। तो आप किसी भी गुरुवार को श्यामा तुलसी, जिसको काली तुलसी भी कहते हैं, उसके चारों ओर खरपतवार को किसी भी पीले वस्त्र में बांध कर अपने व्यापार स्थल में किसी भी जगह रखते हैं, तो ऐसा करने से आपके व्यापार में गति प्रगति होती है और धन संपदा की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों बात की जाए खरपतवार की, तो दोस्तों खरपतवार एक घास होती है जो कि तुलसी के पौधे के आसपास उग जाती है, जो या फिर किसी भी फसल आदि के आसपास भी आपको मिल सकती है। लेकिन दोस्तों क्योंकि तुलसी का पौधा सबसे पवित्र माना जाता है, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों आदि में भी इसका पूरी तरह से उल्लेखनीय वर्णन मिलता है, तो आपको इसकी पवित्रता पर संदेह किए बिना आप ये जान सकते हैं कि इसके आसपास की घास यानी कि खरपतवार कितनी प्रभावित होगी। इसको अगर आप अपने घर में पीले वस्त्र में बांध कर रखते हैं तो इससे आपके व्यापार में उन्नति होती है और आपकी सभी परेशानियां जो कि लंबे समय चली आ रही थी वह सब दूर हो जाती है। यह बहुत आसान और अचूक उपाय है। आपको क्या करना है, जितने भी लोग आते हैं, जो भी हमसे पूछते हैं इस उपाय के बारे में, हम आपको आज बताना चाहते हैं कि इस उपाय को आप करें। किसी भी शुभ मुहूर्त के आते ही आपको यह कार्य करना है। जैसे कि आज का दिन भी काफी शुभ है, आप चाहें तो इसे आज भी कर सकते हैं या फिर आप इसे कल भी कर सकते हैं। जब भी रविवार को नक्षत्र हो उस दिन तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते वक्त ओम तुलसीय नमः इस मंत्र का जाप करें, और जल चढ़ाते वक्त आपको जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। और दोस्तों अगर आपको तुलसी को जल चढ़ाते वक्त अगर कोई दुल्हन दिखाई दे जाए तो दोस्तों आपको उस दुल्हन को तिलक लगाना है और साथ ही आपको तुलसी के पौधे को भी तिलक लगाना है। तिलक लगाने के बाद आपको तुलसी की पूजा करनी है। दोस्तों हमारे हिंदू शास्त्रों में दुल्हन को साक्षात लक्ष्मी का रूप कहा गया है, इसलिए यदि आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके बाद तुलसी के आसपास मौजूद खरपतवार को आपको पीले कपड़े में बांध करके अपने किसी व्यापार स्थल पर या फिर आप अपने घर में रख सकते हैं, किसी भी जगह पर जो पवित्र हो या फिर जहां पर आप अपना कीमती सामान रखते हैं। कार्य में सफलता की संभावना आपके इस उपाय से ही बढ़ जाएगी दोस्तों, और आधिकारिक मामलों में भी आपको जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, यानी कोर्ट कचहरी आदि में आपका कोई मामला फंसा हुआ है तो वह भी आपका दूर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपके व्यक्ति, आपके जो घर में संतान है, वह व्यक्ति अगर कोई आपकी बात नहीं मानता है, आपकी बात नहीं सुनता है, वह जिद्दी है या छोटे बच्चे हैं वह जिद्दी हो चुके हैं, तो दोस्तों इस उपाय से वह बहुत ही जल्दी मान जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो तिलक आपने दुल्हन को लगाया है और आपने जो तुलसी के पौधे को लगाया है, उसी में से बचे हुए रोली से आप अपने संतान के माथे पर भी तिलक लगाएं। दोस्तों ऐसा होने से आपकी संतान भी आपके कहे अनुसार चलती है, यानी कि आपका आदर सम्मान करने लगती है। कुल मिलाकर कहा जाए दोस्तों तो इस उपाय से आपके घर में सभी प्रकार की परेशानियां जो होती हैं उसे सभी दूर हो जाती हैं। दोस्तों आपको अपने घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यदि आप किसी और दिशा में तुलसी का पौधा रखते हैं तो आपको इसके पूरे प्रभाव देखने को नहीं मिलते हैं।
तुलसी के पौधे को हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा पूर्व दिशा में नहीं रखा हुआ है तो आपको इस उपाय को करने से एक दो दिन पहले ही इस पौधे को पूर्व दिशा में रख दे। इसके बाद पूर्व दिशा में रखे हुए तुलसी के पौधे को 3 पत्ते रविवार को छोड़कर किसी भी दिन ले सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, वह तुलसी के पत्ते लगातार आपको उस व्यक्ति को खिलाने हैं, उस बच्चे को खिलाने हैं, अपने संतान को खिलाना है जो आपकी बात नहीं मानता है। आप कुछ ही समय बाद देखोगे संतान के व्यवहार में सुधार आने लगा है। यह भी एक अलग उपाय है दोस्तों, जो हमने पहले बताया था वह भी था, वह थोड़ा कठिन था, लेकिन यह उपाय बहुत ही आसान है। आप देखेंगे कि इस उपाय से आपके संतान के व्यवहार में सुधार आने लगेगा और जिस परेशानी से आप परेशान थे वह दूर हो जाएगी। यदि आपके घर में या फिर कोई भी आपके जानकारी में कोई कन्या है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, कन्या तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण पूर्व में रखकर उसे नियमित रूप से योग्य वर की प्राप्ति हो जाएगी यदि वह पूजन करती है तो, और जल्द ही विवाह के योग बनने लगेंगे। तुलसी का पौधे के पास रखने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। अगर आप किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो नए तुलसी का पौधा, देवता का चित्र और गौमूत्र घर के अंदर आपको प्रवेश कराना चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति और प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है, घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आपको इसे कोई जानकारी मिली हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।